मैं एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक डाउनलाइन है, उनको किसी ने ऑब्जेक्शन दिया कि कंपनी बंद होगी तो क्या करेंगे, तो वो उससे थोड़ा सा निगेटिव हो गए। तो बात यही है कि अगर आपको ऐसा खुद को कोई क्वेश्चन आता है, सबसे अपने अपलाइन के साथ बैठो और हर एक क्वेश्चन का आंसर लो। मुझे शुरू में कोई इस तरह का पूछता था, मैं बिस्तर को कॉल करता था, बोलता था कि सर ये है तो इसका क्या होगा, और जब इन सारे निगेटिविटी से, इन सारे कंफ्यूजन से दूर हो जाओगे, तब भी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये माइंड में बैठा लो, आप आ गए हो, अगर आपको काम करना है तो कंफ्यूजन दूर करो, और कंफ्यूजन के साथ करना है तो मैं बोलूंगा उससे अच्छा ना ही करो, तभी अच्छा है, क्योंकि आप अपना टाइम भी दोगे और उसके बाद उसका कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, तो वही होगा कि हमने भी किया था लेकिन रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि 90% लोग कंफ्यूजन में काम करते हैं। तो सबसे पहले अपना कंफ्यूजन दूर करो और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिए, सेकंड पॉइंट आता है कि ओवरफ्लोइंग पैशन। जब भी हमारे साथ कोई नया मेंबर हमारी फैमिली में आता है, मोदी के फैमिली में आता है, तो कई बार मेंबर्स बड़े चार्जअप होके आते हैं और वो बड़ी एनर्जी के साथ आते हैं, बोलते हैं सर ये बताओ मुझे क्या क्या करना है, कहाँ से करना है, इसको बताऊंगा उसको बताऊंगा, ये सब करते हुए, मतलब वो होता है ना कि स्पार्क होता है लेकिन वो बड़ी जल्दी बंद हो जाता है। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों कि आप आते हो इस बिजनेस में, मेरे लिए भी इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं थी, मैंने कभी सेल्स मार्केटिंग नेटवर्किंग कभी देखा ही नहीं था, आईटी के अलावा मुझे कुछ आता नहीं था। तो मुझे एक चीज समझ में आया, जब मैं यहाँ पे आया ना, मैं भी सोचता था कि कैसे करूंगा, कैसे ग्रो करना है और क्या मुझे करना है, कौन सा स्टेप पहले उठाना है। तो जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इन सब में सबसे पहले आप देखो कि वाई, आप अपना वाई क्लियर करो, क्यों करना है। देखो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि ठीक है, यहाँ से आपको, मेरा होम टाउन है प्रयागराज, बिस्तर भी हम दोनों लोग सेम होम टाउन से बिलोंग करते हैं, तो प्रयागराज अगर मुझे जाना है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोलूँ कि अगर मुझे यहाँ से प्रयागराज जाना है, तो मैं सोचूंगा अच्छा कैसे जाना है, क्या जाना है, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों जाना है। क्योंकि अगर मेरा वाई क्लियर होगा ना, आपको ये पता होगा कि हाँ भाई मेरे घर में कुछ इमरजेंसी है और मुझे वहां पहुंचना है, फिर वो सारे रास्ते आप खुद ही निकाल लोगे। मुझे गाड़ी से जाना है या मुझे ट्रेन से जाना है, मुझे किस वाली ट्रेन से जाना है, कौन सी गाड़ी से जाना है, तो ये जितने भी रास्ते हैं ये सारे खुद निकल आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाई, आप अपने दिल से पूछो कि मुझे क्यों करना है मोदी केयर। अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया, देन क्या करना है, व्हाट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये सारे आंसर अपने आप निकल आएंगे। 90% केस में लोगों का वाई क्लियर नहीं होता कि भैया उन्हें समझ नहीं आता है कि क्यों करना है। देखो अगर मेरे पास कोई एम नहीं होगा ना क्यों करना है, तो मैं जाऊंगा भी नहीं, मैं बोलूंगा यार प्रयागराज अभी नहीं जाना है, अभी ठंड है, अभी दिसंबर निकल जाते, जनवरी निकल जाते, फरवरी निकल जाते, फिर मार्च में जाएंगे, होली के टाइम पे जाऊंगा मैं। लेकिन अगर वहीं, अगर मुझे ये पता है कि क्यों जाना है, तो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना वाई क्लियर करो, आप जब भी बैठते हो सेल्फ एनालिसिस करते हो, आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ लोग जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं, उन सब चीजों से इंपॉर्टेंट है कि क्यों करना है, वाई आपको क्लियर होना चाहिए। और जिस दिन आपका वाई क्लियर हुआ, उस दिन आपका सारे आंसर खुद मिलते जाएंगे, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। सिंपल सी बात है, मैं अपनी बात करूं तो अभी मैं जिस जॉब में हूँ, यहाँ पे रोटेशनल शिफ्ट में होता है काम, मैं रात में काम करता हूँ, नाइट शिफ्ट करने के बाद सुबह की ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ कई बार, क्योंकि रोटेट होती रहती है शिफ्ट, तो मुझे पता है कई बार मुझे सुबह नहीं उठना होता है, तब भी मुझे ऑफिस का शिफ्ट है तो मुझे उठना पड़ता है, रात को नहीं जगना है तब भी मुझे जगना पड़ता है, क्योंकि वहां पे मेरा वाई क्लियर है कि भैया मैं नहीं काम करूंगा ना तो मुझे सैलरी नहीं आएगी, और सैलरी नहीं आएगी तो काम कैसे चलेगा। तो उसी तरीके से अगर जिस दिन आपको ये वाई क्लियर हो गया कि मोदी केयर आपको क्यों करना है, तो वो सारे आंसर फिर आपके अपने आप आ जाएंगे और सारे रास्ते फिर अपने आप बनते चले जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपना पैशन ढूंढो, अपना रीजन ढूंढो कि क्यों मुझे करना है, आप अपने दिल से पूछो कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, और मोदी केयर क्यों करना है, इसके आप 5 रीजन लिखो, मुझे ये करना है इसलिए मोदी केयर करना है। जैसे मैं अभी आज के डेट में अपनी बात करूँ, तो मुझे ये है कि मुझे EMI फ्री होना है, मेरे जितने लोन भी चल रहे हैं ना उन सारे लोन को मुझे हटाना है, तो मुझे हमेशा ये बात लगती रहती है कि ठीक है मुझे करना है मोदी केयर। जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको पता है कि मैं उनका फोन कभी भी उठाता हूँ, वो मुझे कभी भी कॉल करते हैं, मैं उनको असिस्ट करता हूँ, तो मुझे यही होता है कि हाँ मुझे करना है मोदी केयर तो मुझे करना है। तो ये क्यों करना है, इसका आंसर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अभी मोदी केयर क्यों करना है ये क्लियर आपको हो गया, कैसे करना है ये आपका अपलाइन बताता है, लेकिन यहाँ पे देखिए मोदी केयर करने के 2 तरीके हैं, या किसी भी सक्सेस होने के 2 तरीके हैं। इवन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बात करूँ, तो यहाँ पे 2 तरह से लोग काम करते हैं। एक होता है कि लोग सोचते हैं कि ठीक है मैं तो खुद सेल्फ कैपेबल हूँ और मैं अकेले काम कर सकता हूँ, ये सिनेरियो वैसे होता है कि जनरली क्या होता है कि कई बार लोग जो ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं, ज्यादा वो होते हैं, चार्जअप होते हैं,
वो आते हैं कहते हैं सर मुझे तो ये थ्री वे कॉलिंग स्क्रिप्ट बकवास लग रही है और मुझे अपनी स्क्रिप्ट इनोवेट करनी है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ ठीक है आप इनोवेट करना बाद में, लेकिन पहले यहाँ का प्रोसेस फॉलो करो। देखो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेस होना है तो यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला है आयरन लाइक रिजॉल्व, मतलब आप खुद एफर्ट डालो, खुद अपने तरीके अपनाओ, खुद अपने तरीके बनाओ, तो वहां से सक्सेस रेट आपको 1% का आता है। एंड दूसरा है कि कॉपी कैट करो और अपने आप को सरेंडर कर दो अपने अपलाइन के लिए। तो जैसे अगर आप अपने अपलाइन के लिए आपको सरेंडर कर दो, जो अपलाइन बोलता जा रहा है वो आप करते जा रहे हो, तो बहुत अच्छे सक्सेसफुल आपका जो सक्सेस होने का रेशियो होगा वो 99% होगा। एक कहावत है कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो ना तो जो सक्सेसफुल है उसके साथ चलना शुरू कर दो, उनके साथ बैठना शुरू कर दो, उनको फॉलो करना शुरू कर दो। तो जो आपका अपलाइन है जिसने इस सिस्टम में आया उसको समय हो चुका है, वो सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो वो आपको शुरू में कहता है तो आपको थोड़ा ऑर्थोडॉक्स लगता होगा कि अरे मुझे तो वही तरीके नहीं अपनाने हैं। बट मेरा जो नया एसोसिएट होते हैं मैं उनको हम्बली बोलूंगा कि पहले आप सिस्टम को देखो समझो फॉलो करो, एक लेवल पे आ जाओ, उसके बाद फिर आप अपना इनोवेशन तब डालने की कोशिश करो। क्योंकि शुरू में ही अगर आप वो इनोवेशन डालने की कोशिश करोगे ना हो सकता है कि वो रिजल्ट ना मिले। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक सिस्टम बना हुआ है, एक कुआं ऑलरेडी बना हुआ है, आपको प्यास लगी है बाल्टी डालो पानी निकालो ठीक है, उसके बाद आपको नया कुआं बनाना है तो बाद में एक लेवल पे जाके बनाओ। लेकिन डे वन से ही अगर आप नया कुआं खोदने की कोशिश करने लगोगे हो सकता है कि प्यास से फिर आपका दम ही टूट जाए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे अपने अपलाइन को सरेंडर कर दो, जो जो अपलाइन कहता है अपने कंपनी को सरेंडर कर दो, जो जो यहाँ पे बताई जाती है चीजें उन चीजों को फॉलो करो। और क्योंकि उन्हीं चीजों को फॉलो करके आपका अपलाइन भी आगे बढ़ा है, उसके अपलाइन आगे बढ़े हैं, उस सिस्टम को फॉलो करो और एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद ही आप इनोवेशन का उसमें सोचो। फिर सर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। विजन दोस्तों ये विजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विजन जो होता है, विजन हम बोलते हैं हिंदी में कि एबिलिटी टू सी फर्दर, मतलब दूर जो भविष्य का होता है ना वो देखने का। देखो दोस्तों अगर जो विजन होता है ना वो अगर आपका विजन क्लियर है तो आपका वो रीजन भी क्लियर हो जाएगा और आपका सारी चीजें फिर क्लियर होती जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि आप जो ड्रीम बनाते हो, हम बोलते हैं ना कि ड्रीम वो फ्यूल है जो आपको मोटिवेट करेगा काम करने के लिए। तो जो भी आप सोचते हो आप उस चीज को विजुलाइज करो, रियलाइज करो। जैसे अगर आप सोचते हो कि हाँ ठीक है मैं 1 साल बाद गाड़ी लूंगा, मोदी करके पैसे मुझे गाड़ी लेना है, तो इस विजन को आपने बनाया है तो उस चीज को विजुलाइज करो और उस चीज को फील करो। क्योंकि अगर आप उस चीज को फील करोगे ना तो फिर वो आपका विजन क्लियर करेगा और फिर वो आपको मोटिवेट करेगा आगे काम करने के लिए। जैसे अगर आप मैंने सोचा था कि हाँ ठीक है मैं ईएमआई फ्री होना है मुझे, तो मुझे ये लगता है कि ठीक है यार अगर मैं ईएमआई फ्री हो गया कैसे भी करके तो उसके बाद मेरा कितना सरदर्द दूर होगा, मतलब मेरा कितना सही लाइफ होगा कि ठीक है आप कोई बर्डन नहीं है, एक्सपेंसेस घट जाएंगे, फिर मैं अपने इजिली अपनी लाइफ जी सकता हूँ। तो इस तरीके से जो भी आप अपने रीजन लिखे हुए हैं, जो भी आप कारण बनाते हो, उसका एक विजन बनाओ और उस विजन को अपने जहां पे सोते हो आप वो विजन चार्ट बनाओ, विजन बोर्ड बनाओ, वहां पे अपने ड्रीम्स लिखो और उनको फील करना स्टार्ट करो। आप उनको फील करने लगोगे ना तो फिर कोई अगर बोलेगा कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, फिर पता है कि ठीक है अगर मेरा विजन है, मैं मुझे वहां तक पहुंचना है तो मैं फिर आगे चलना शुरू करूंगा, फिर वो चीजें आपको मोटिवेट करती रहेंगी। एक देखिए मोटिवेशन के दो तरीके हैं, तो एक तो ये है कि आपका अपलाइन आपको कॉल करके या आप अपने अपलाइन से बात करके मोटिवेशन लेते हो, वो आपको डेली मोटिवेट करता है, फील्ड में जाते हो दो थप्पड़ लगते हैं मतलब किसी ने ना बोला फिर आप डिमोटिवेट हो गए। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप अगर सेल्फ मोटिवेशन चाहते हो जो कि सबसे अच्छी चीज है, तो एक विजन बोर्ड बनाओ, जो जो आपके ड्रीम है उनको वहां लिखो, उनको फील करना स्टार्ट करो। जिस दिन आप उसको फील करने लगोगे ना फिर आपको कोई तीसरे मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो आप किसी किसी से कहीं से आपको रिजेक्शन मिलेगा फिर भी आप मोटिवेट होते रहो क्योंकि आपको पता है कि हाँ मेरा विजन क्लियर है, मुझे वो चीज फील हो रही है तो मुझे आगे मिल भी जाएगी। एक कहावत है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि अगर आप जिन चीजों को देखते रहोगे समझते रहोगे अट्रैक्ट करते रहो तो वो चीजें अपने आप आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे कि अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे एक घर लेना है, मुझे एक बाइक लेनी है, और वो विजन आपका क्लियर है, उस चीज को आप फील कर रहे हो, तो धीरे धीरे सारी कायनात उस चीज को आपसे मिलाने की तैयारी करेगी और वो चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है सर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे मिलियन डॉलर बिजनेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग ना मोदी केयर को फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ लगता नहीं है, मतलब कहते हैं कि ठीक है भैया हमने सामान ले लिया 1500 का, हमने आईडी लगा दी और 1500 का हमें सामान मिल गया और उसके बाद ठीक है चला नहीं चला जो भी है। दोस्तों ये बिजनेस को आपको समझ के चलना है कि ये मिलियन डॉलर का बिजनेस है, ये यहाँ पे
आप जो चाहोगे वो चीज मिल सकती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से आप सिर्फ पैसा ही नहीं, आप हर चीज पा सकते हो, आप अपने घूमने का शौक पूरा कर सकते हो, आप अपने घर पा सकते हो, आप मतलब जो चीज आप सोचोगे वो सारी चीजें मिल सकती है। और यहाँ पे लोगों का विजन उतना क्यों नहीं बढ़ पाता है, उतना क्यों नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पे तो मेरा कुछ पैसा लगा ही नहीं है। दोस्तों ये बिजनेस में लोग पैसा नहीं लगता, लेकिन मैं कहता हूँ कि पैसा बहुत लगता है, और वो हमारा पैसा नहीं लगा है, वो समीर मोदी जी का पैसा लगा है। तो समीर मोदी जी, आप उसको ये मत सोचो कि उनका पैसा है, आप ये सोचो कि मेरा ही पैसा लगा है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको अगर आपके लाइफ में अगर आपने एक शॉप खोली है, मुझे पता है मेरे घर में किराने का बिजनेस होता है, किराने की दुकान है, तो मुझे पता है कि मेरे भाइयों को कि भैया ठीक है छोटी भी दुकान है, तो वहां जाके बंदा बैठता है, काम करता है, मेरी जॉब है तो मैं डेली काम करता हूँ, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप ये मत सोचो कि ये छोटा सा बिजनेस है, ये है, यहाँ पे आप सोचो कि आपके लाखों लगे हैं, करोड़ों लगे हैं, अरबों लगे हैं। तो उसके हिसाब से जब जिस दिन आप ये सोच के काम करोगे कि ये मेरा बिजनेस है और इसे मुझे चलाना है, तो उसके बाद फिर आपका बिजनेस आपको अडॉप्ट करेगा और फिर आप ग्रो करोगे इस बिजनेस में। तो ये बिजनेस आपको हर वो चीज दे सकता है जिसकी आप सोच सकते हो कि हाँ मुझे यहाँ से हवाई जहाज की यात्रा करनी है, घर चाहिए, अपने पेरेंट्स को घुमाना है, जो भी आप चाहोगे वो सारी चीजें आपको ये बिजनेस दे सकता है। बस आप इस बिजनेस को उस तरीके से अडॉप्ट करो, उस तरीके से आप समझ के चलो, और कभी भी ये मत सोचो कि लॉस होगा, क्या होगा, ये तो समीर मोदी जी का है, ये आपका अपना बिजनेस है, इसको ग्रो कराने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आप जिस दिन इसको इस बिजनेस को अपना मान के चलोगे, उस दिन ये बिजनेस आपको अपना मानेगा और फिर आप इस बिजनेस में ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे। तो दोस्तों मेरा सफर यही तक था, अब इसके बाद मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा ब्रिज सर को। ओवर टू ब्रिज सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया धीरज जी, आपने बताया। काफी दिन बाद आपको बोलने का मौका मिला, बट जो आपका फ्लो था ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आप बहुत दिन बाद आज बोल रहे हो। वेरी वेरी गुड, वेरी फंटेस्टिक आपने बोला। थैंक नेक्स्ट पर्सनैलिटी हमारे बीच में ब्रिजेश उपाध्याय जी, जो आपके सामने आएंगे और आगे का जो हमारा सेशन है आगे बढ़ाएंगे। ब्रिजेश उपाध्याय जी खुद अपने बारे में आपको 1 मिनट का परिचय देते हुए सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रिजेश जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ब्रजेश उपाध्याय, अभी अभी कुछ ही दिन हुआ मैंने इसको ज्वाइन किया हुआ है। सर आवाज आ रही है? यस यस जी सर, थैंक यू सर। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, और बहुत दिन नहीं हुआ लेकिन मैंने इस बिजनेस को समझना शुरू किया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा कि आज तक मैं इस बिजनेस से इतनी दूर रहा कैसे, और मेरी वाइफ भी है मेरे साथ जुड़ी हुई, वो भी कह रही है कि हम लोगों को आज तक इसका मौका क्यों नहीं मिला। खैर मैं अपने परिचय दे दूं, मैं ब्रजेश उपाध्याय DLW वाराणसी में यहीं पे जॉब करता हूँ, रेलवे में हूँ और पार्ट टाइम इसको कर रहा हूँ। मेरी वाइफ भी साथ में मेरे कर रही है और हम दोनों मिल करके इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चूंकि स्लाइड कंटिन्यूएशन में है तो परिचय बहुत ज्यादा ना हो तो आगे की बात हम करें सर। तो आगे का जो स्लाइड है वो स्लाइड नंबर 6 है, जिसका है फॉल इन लव विथ योर रिजेक्शन। सर प्लीज स्लाइड आगे कर दें। थैंक यू सर। फॉल इन लव विथ योर रिजेक्शन, इसका क्या मतलब है सर? कि आपको सबसे पहले ना को प्यार करना सीखना होगा। जब आप ना से प्यार करना सीख जाएंगे तो यही ना एक दिन आपके हाँ में जरूर कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप ना को प्यार, जब आप ना से घबरा जाएंगे तो ये आपको हमेशा डराता रहेगा और घबराता रहेगा। तो आपको ना से घबराना नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग का एक मतलब क्लू है कि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में ना से घबरा गए तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग की ना को पॉजिटिवली लेना है, ना सुन के कभी घबराना नहीं है। और असफलता जो होती है इसमें जरूर ना कोई इसमें जरूर कारण होता है, तो जिसकी वजह से आपको ना मिलता है। वो एक कहावत कही गई है कि असफलता सिर्फ ये दर्शाती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। तो असफलता के कारणों को ढूंढिए और उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। एक दो कारण मैं गिना दूं आपको, हो सकता है आपके अंदर विश्वास की कमी हो जिसकी वजह से आप नकली विश्वास का क्या कहते हैं मुखौटा लगा करके आप किसी को कन्विंस करेंगे तो वो कभी भी कन्विंस नहीं होगा। पहले खुद इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तब दूसरों को विश्वास दिलाएं। हो सकता है आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है सही ना हो, हो सकता है आपका अपीयरेंस सही नहीं हो, या भी हो सकता है ऑब्जेक्ट्स हैंडलिंग आप ठीक से ना कर पा रहे हो, कोई भी कारण हो सकता है। उससे घबराना नहीं है और उसके ऊपर काम करना है और आगे बढ़ना है।
जैसे कि अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, स्पीड ब्रेकर अगर आपको मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रास्ते से घर वापस चल दें, अरे स्पीड ब्रेकर मिल गया, बार बार स्पीड ब्रेकर मिलेगा, मैं कैसे काम करूंगा, वापस चलते हैं। बाधा दौड़ होती है, उसमें भी आपको घबराना नहीं होता, जैसे हर्डल्स आते रहते हैं बाधा दौड़ में, तो वो दौड़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। एक सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है, अजय सर ने कुछ दिन पहले बताया था, जैसे टेली मार्केटिंग होता है उसमें क्रेडिट कार्ड या फिर लोन वाले इतने फोन आते हैं, आप भी करते होंगे, फोन आया तुरंत ना करके रख देते हैं, तुरंत फोन करके ना, कोई भी मुश्किल से हमें लगता है कि हजारों में कोई एक उनको हाँ मिलता होगा, तो सोचिए वो कितना प्रयास करते होंगे। फिर भी हमारे पास तो ऑप्शन होते हैं कि हम किसी को अच्छे से डेमो करके दिखा सकें, बात कर सकें, वो मेरी बात समझेगा। तो ना से घबराना नहीं है, और ना की सीढ़ी जो है वही हमें हाथ तक ले जाती है। तो अगले स्लाइड पे चले सर, स्लाइड नंबर 7। ब्रिज सर जी, थैंक यू सर। लर्नर फॉर लाइफ, हमें पूरी जिंदगी जो है एक बच्चे की तरह सीखना होता है, और अगर हम पूरी जिंदगी सीखते रहेंगे तो जरूर हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। जहां पे आपका सीखना बंद, वहीं पे आपकी ग्रोथ बंद, सीधा सा इसका फंडा है। आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जैसे एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर पूरी जिंदगी नए नए डिजीज और नए नए दवाओं के बारे में सीखता रहता है, इसीलिए वो हाईली पेड जॉब है, बहुत अच्छा उनका, क्योंकि सीखने का जो क्रम है वो लगातार पूरी जिंदगी चलता रहता है, इसलिए वो हाईली पेड जॉब में आते हैं। जैसे कि अगर आप सीखना है तो आपको कभी भी ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं सीख चुका हूं, अब मुझे क्या जरूरत है। जैसे कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, या मैं जीबीडी बन गया हूं, मैंने इतना काम कर दिया, इतने लोगों को जोड़ दिया, तो अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, तो ये भाव कभी मन में नहीं आना चाहिए। यदि मन में आ गया ऐसा भाव, तो उसी दिन से आपका डिटोरिएशन चालू हो जाएगा, और आपके नीचे वाला आपको पार करके आगे चला जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, और आपका कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो सीखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा बच्चे बने रहें, बच्चे बन के सीखते रहें। अभी इस समय अमेरिका की एक टेस्ला कंपनी है, इलेक्ट्रिक कंपनी है, उनका इंटरव्यू मैं सुन रहा था, उनके मालिक हैं एलन मस्क, जो इस समय वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट आदमी बन गए हैं। उन्होंने कहा कि वो हमेशा सीखते हैं, आज भी सीखते हैं, और किसी भी वर्कर के पास जाकर के खड़े होकर के सीखना, इवन वो वर्कशॉप में रात को सो जाते हैं सीखने के चक्कर में, कि अर्ली मॉर्निंग में उठ करके घर आने जाने और सीखने के क्रम में मेरा कहीं डिस्टरबेंस ना हो। तो एलन मस्क जो इतने अमीर आदमी होकर के भी आज भी सीखते हैं। तो हमेशा नए तरीके से सीखिए और नए तरीके को अपनाइए, सीखने के नए तरीकों को अपनाइए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपने अपलाइन जो है उनको उनके आप सबसे सफल विद्यार्थी बन जाइए। जो आपके अपलाइन है, जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपको सिखाते हैं, जैसे सिखाते हैं वैसे सीखिए, उनको फॉलो कीजिए, उनको कॉपी कीजिए। जिस दिन आप उनको कॉपी करना सीखना शुरू कर देंगे और सीखते चले जाएंगे, उस दिन आपकी ग्रोथ उसी तरह से बढ़ती जाएगी, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बिना कुछ परिश्रम किए ही आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, और परसेंटेज ग्रोथ होता जा रहा है, और कमाई में रोज नया एक जीरो जुड़ता चला जाएगा आपके। थैंक यू सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। हेल्पिंग पीपल क्या होता है कि लोगों की मदद करना। जब आप लोगों की मदद करेंगे तो फिर वो मदद सीधे लौट करके आपके पास चली आती है। आप अपने बारे में ना सोचिए, अपने जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचिए। यदि आप सोचेंगे कि मुझे केवल अपने बारे में सोचना है, अपना पैसा बनाना है, तो कभी भी आपकी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि अगर उनकी ग्रोथ होगी तो उनकी ग्रोथ से आपकी ग्रोथ जुड़ी हुई है। जैसे ही उनकी ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ तो अपने आप हो जाएगी। तो आप अपनी टीम को आगे बढ़ाएं, अपनी टीम को जिताएं। जब आपकी टीम जीतेगी तो वैसे ही आप अपने आप ही बिना किसी परिश्रम के आप जीत जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि एक राजा होता है, राजा अपनी सेना में हमेशा, मतलब उसका मेन काम होता है, वो सेना की जगह पे लड़ाई नहीं करता है, लेकिन सेना को लड़ने के पहले इतना वो मोटिवेट कर देता है, उत्साह उनके अंदर भर देता है कि सेना लड़ती है और जीतती है। लेकिन जीत का श्रेय किसको मिलता है? राजा को मिलता है। तो अपने बारे में थोड़ा कम सोचिए, लोगों के बारे में ज्यादा सोचिए। जब आपकी नींव मजबूत होगी तो भवन तो आलीशान अपने आप बन जाएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। एक ब्रिज सर ने बताया था कि एक बहुत बड़े लेखक हैं जिग जगलर, उन्होंने एक कोटेशन अपनी बुक में लिखा था, यू विल गेट ऑल यू वॉन्ट इन योर लाइफ इफ यू हेल्प अदर पीपल टू गेट वॉट दे वॉन्ट। मतलब अगर आप दूसरों को उनके सपनों को सच करने में मदद करते हैं तो आपके सपने अपने आप सच हो जाते हैं। तो लोगों की मदद कीजिए,
कि वो अपने सपने को पूरा कर पाए, देख पाए, जी पाए, सपने को अपने सामने हकीकत बनते हुए देख लें। और आपके सपने तो भगवान की दया से ऑटोमेटिकली आपके सपने उससे पहले ही पूरे हो जाएंगे। जब सबका साथ मिलेगा तो सबका विकास होगा और आपका उसके साथ ऑटोमेटिकली विकास हो जाएगा। सर नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर, ब्रिज सर। थैंक यू ब्रिजेश जी, आपने मैंने जिस तरह से सोचा था आपने उससे भी अच्छा बताया। बहुत अच्छी आपके अंदर स्पीकिंग स्किल्स है। आपने उस दिन होस्टिंग की तब से मेरे को पता लगा कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, तो अगर आप इसी पैशन को फॉलो करेंगे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, विद योर ब्लेसिंग सर, थैंक यू सर। ओके फ्रेंड, तो आज का ये जो सेशन था ये एट रेंडम मैंने बनाया कि मेरे को अजय सर ने बोला कि ब्रिज जब तक आप अपने लोगों पर भरोसा नहीं करोगे तब तक आप उन लोगों को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। जब तक आप अपने लोगों पर भरोसा नहीं करोगे तब तक वो लीडर्स नहीं बन सकते।